हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडम द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदैया और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन केपी, केसी एंड केएक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था लॉ ऑफ मास एक्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पर, तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम केसी और केपी फाइंड आउट करते हैं। वहाँ हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं कि किस तरीके से हम केसी, केपी और केएक्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और हम किस तरीके से एक फार्मूला डराइव कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको केपी केसी के बारे में ज़्यादा जनरल आइडिया नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। वहाँ आपको एक वीडियो मिलेगा लॉ ऑफ मास एक्शन या फिर हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को, तो आप उसको देख सकते हैं। वहाँ आपको क्लियरली पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा हुआ होगा कि किस तरीके से केसी और केपी लिखा जाता है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनके बीच में रिलेशन का। तो देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाया जा सकता है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान रखना और एक फार्मूला आएगा, आपको वही फार्मूला यूज़ करना है। बट आपको वो फार्मूला किस तरीके से आता है वो मेथड आपको समझ में आना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले किसके बीच में रिलेशन देखने वाले हैं, जो सबसे कॉमन है उसके बीच में हम लोग रिलेशन सबसे पहले बनाने वाले हैं, वो है केपी और केसी के बीच में। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें केपी एंड केसी के बीच में, अब देखो केपी और केसी का अगर मैं आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया दूं तो क्या होते हैं, बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। अगर आप कंसेंट्रेशन के टर्म्स में बात करते हो तो केसी लिखा जाता है, और अगर आप लोग प्रेशर के टर्म में बात करते हो तो केपी लिखा जाता है। क्लियर है? तो कंसेंट्रेशन के लिए केसी लिखेंगे और प्रेशर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, केपी लिखेंगे। जनरली जो गैसेस रिएक्शन होती है वहाँ आप कंसेंट्रेशन यूज़ नहीं करते हो, वहाँ आप लोग प्रेशर यूज़ करते हो। ठीक है? और अगर रिएक्शन लिक्विड फॉर्म में या फिर एक्वस फेज में हो रही होती है तो वहाँ आप लोग जनरली क्या यूज़ करते हो, वहाँ आप लोग कंसेंट्रेशन यूज़ करते हो। क्लियर? चलो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन हम लोग देखते हैं। सपोज हमारे पास में कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम है उसके अंदर एस्टेब्लिश हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया N1A प्लस N2B और इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम का साइन हमने लगा दिया और यहाँ हमने लिख दिया N3C प्लस साथ में लिख दिया N4D। ये एक हमारे पास में इक्वेशन है, ये कम्प्लीटली गैसेस रिएक्शन है। अगर मैं इसके लिए KP लिखना चाहूँ, ध्यान से देखें, मैं इसके लिए क्या लिखना चाहता हूँ, केपी लिखना चाहता हूँ, क्योंकि ये गैसेस फेज रिएक्शन है और गैसेस फेज रिएक्शन के लिए हम लोग इसमें क्या लिख रहे हैं, केपी। तो केपी का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जैसे हम लोग कंसेंट्रेशन लिखते हैं, प्रेशर ऑफ ए गैस, इसका स्टोकियोमेट्रिक पावर हम लोग N1 लगा देंगे। सॉरी, यहाँ हम लोगों ने मिस्टेक कर दी, यहाँ आप लोग PC लिख देना, क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं ना। सो यहाँ क्या आ जाएगा PC, यहाँ क्या आ जाएगा N3 और यहाँ क्या आ जाएगा .PD और यहाँ क्या आ जाएगा N4। यानी कि जो रिएक्टेंट C है इसका प्रेशर, जो रिएक्टेंट D है इसका प्रेशर, और इनकी जो पावर लगी हुई है वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्लियर है क्या? ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें इसके अंदर, तो जो रिएक्टेंट लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, प्रेशर ऑफ ए इसकी पावर N1 डॉट प्रेशर ऑफ बी इसकी पावर N2। तो ये हमने एक केपी का फॉर्मेट बना दिया कि हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। क्लियर? तो ये हमने केपी का एक पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक छोटी सी इक्वेशन आती है, अगर आपको याद हो, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, क्या आपको याद है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT। क्या होती है? PV = nRT। अब देखो बहुत सिंपल है, अगर मैं वॉल्यूम को उस साइड लेकर के जाऊँ तो प्रेशर का एक फॉर्मूला क्या बनेगा, N/VRT। क्या बन रहा है? N/VRT बन रहा है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, N/V जो होता है, इस टर्म को आप क्या बोल सकते हो, कंसेंट्रेशन बोल सकते हो, है ना। क्योंकि देखो, हमने कंसेंट्रेशन टर्म्स जब पढ़ी होगी तो वहाँ हमने एक टर्म डिफाइन किया होगा मोलैरिटी, है ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सिमिलर आप देखो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या कहलाता है, कंसेंट्रेशन कहलाता है। ये कंसेंट्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, मोलैरिटी। सही है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसमें आगे देखें तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि P =
पी इज गोज टू सी आर टी। मैं कंसेंट्रेशन को किस से लिख रहा हूँ, सी से लिख रहा हूँ। सो पी इज गोज टू क्या आ गया, सी आर टी आ गया। वहीं अगर हम यहाँ पे अलग अलग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के लिए अगर मैं प्रेशर का इक्वेशन बनाऊँ, तो हो सकता है कि हमारे पास में, देखो हमारे पास में रिएक्टेंट ए और बी है, प्रोडक्ट सी एंड डी बन रहा है। तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट यानी कि प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी एंड प्रेशर ऑफ सी एंड प्रेशर ऑफ डी, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे लिखूँ, तो देखो प्रेशर ऑफ ए जो है मेरे पास में क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि आर जो है वो कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है। हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट रखा जाता है, आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे, सही है, तभी जो है ये वैल्यू फिक्स रहेगी। अगर अदरवाइज अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो तो जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है वो भी चेंज हो जाएगा, सही है क्या। सो देखो पी एच गोस टू सी ए आर टी। अगर हम प्रेशर ऑफ बी की बात करेंगे तो बताओ क्या बनेगा, सी बी आर टी। अगर मैं प्रेशर ऑफ सी की बात करूँ तो बताओ क्या बनेगा, सी सी आर टी। अगर मैं प्रेशर ऑफ डी की बात करूँगा तो क्या बनेगा, पी डी, सॉरी नॉट पी डी, सी डी आर टी। क्या कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमने चार इस तरीके से प्रेशर के इक्वेशंस बना लिए। अब इसी को अगर मैं पुट करूँ, किसके अंदर पुट करना है, मुझे इसके अंदर पुट करना है, यानी कि ये इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करनी है। सो देखो पी सी की वैल्यू हमारे पास में सी सी आर टी, पी डी की वैल्यू हमारे पास में सी डी आर टी हो गया, पी ए की वैल्यू सी ए आर टी, पी बी की वैल्यू सी बी आर टी, क्लियर है। तो अगर मैं ये वाली वैल्यूज़ को इस वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ तो हमारे पास में के पी का जो फॉर्मेट बनेगा, यानी कि के पी का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो अगर मैं पी सी की जगह पी सी की वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या बनेगा। अच्छा आप देखो कंसेंट्रेशन के लिए हम लोग एक और यूज़ कर सकते हैं, आपको बताया था कि ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये भी किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कंसेंट्रेशन को, या फिर हमने इसको क्या नाम दिया था, एक्टिव मास, क्लियर है क्या, हमने इसको क्या नाम दे दिया था, एक्टिव मास। तो इसी तरीके से अगर मैं लिखूं, देखो कंसेंट्रेशन ऑफ सी, सही है। अच्छा देखो जब मैं वैल्यू लिख रहा हूँ तो कंसेंट्रेशन ऑफ सी आ गया, साथ में आर टी है। अच्छा यहाँ देखो हम सिर्फ पी सी की वैल्यू लिख रहे हैं, जबकि पी सी की वैल्यू पर अगर आप देखो तो एन थ्री लिखा हुआ है, यानी कि इसकी पावर है एन थ्री, तो ये जो पावर होगी इस पूरे पर आएगी, है ना। तो यहाँ सी, फिर यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, एन थ्री, और आर टी की पावर भी क्या आ जाएगी बताओ, एन थ्री। ये पूरा का पूरा हमने पी सी की वैल्यू लिख दी। सिमिलर अगर मुझे पी डी की वैल्यू लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, कंसेंट्रेशन ऑफ डी, और साथ में हम लोग क्या लिख देंगे, सॉरी यहाँ मैंने एन थ्री नहीं लिखा, एन थ्री, और आर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन फोर आ जाएगा, क्लियर है क्या। सिमिलर इसी तरीके से अगर मैं पी ए की वैल्यू लिखूँ तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ क्या आएगा बताओ, एन एन वन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, आर टी की पावर एन वन। सिमिलर अगर मैं बी के लिए लिखूंगा तो यहाँ कंसेंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, आर टी की पावर एन टू आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ बी के, बी पर भी आप लोग लगा देना एन टू, और इस पर भी लग जाएगा एन फोर। तो ये हमने इसके स्टोइकोमेट्रिक पावर को यूज़ कर लिया। अब इसके बाद में ध्यान से देखो तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर सकता हूँ। अरेंज कैसे करा जा सकता है, देखो कंसेंट्रेशन ऑफ सी, कंसेंट्रेशन ऑफ सी की पावर क्या आ जाएगा, एन थ्री। कंसेंट्रेशन ऑफ डी की पावर क्या आ जाएगा, एन फोर। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो बेस जो है वो सेम है, तो कॉमन लिया जा सकता है। जब आप इसमें कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा आर टी की पावर क्या आ जाएगा बताओ, आर टी की पावर आ जाएगा एन थ्री प्लस एन फोर, क्लियर है। एन थ्री प्लस एन फोर आ जाएगा, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो एन थ्री प्लस एन फोर कर सकते हो। डिवाइडेड बाय अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो अपने पास में इधर भी क्या है, कॉमन लिया जा सकता है। सो कंसेंट्रेशन ऑफ ए इसकी पावर एन वन, कंसेंट्रेशन ऑफ बी इसकी पावर एन टू। सिमिलर आप यहाँ कर सकते हो आर टी की पावर क्या आ जाएगा बताओ, एन वन प्लस एन टू, क्लियर है क्या। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एन वन प्लस एन टू जो है, तो ये आप लोग क्या लिख सकते हो, टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और सिमिलर अगर आप एन थ्री एन फोर को लिखो तो ये आप लिख सकते हो टोटल मोल्स ऑफ, टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है इस तरीके से। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में है के पी की पूरा का पूरा ये फॉर्मेट आ गया। अब बताओ इसको और किस तरीके से अच्छे से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, बहुत सिंपल। देखो के पी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो कंसेंट्रेशन ऑफ सी की पावर एन थ्री एंड कंसेंट्रेशन ऑफ डी की पावर एन फोर डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या लिखा जाएगा, एन वन, कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर एन टू, लिख दिया हम लोगों ने इस तरीके से। अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे आर टी है, नीचे भी आर टी है, क्लियर।
मैं अगर इसको ऊपर लेकर के जाऊं और इसको कॉमन ले लिया जाए तो आपके पास में ये बन जाएगा RT की पावर, क्या बनेगा देखो, आपके पास में बनेगा N3 प्लस N4 माइनस आ जाएगा N1 प्लस N2, ठीक है। और इसी को अगर हम ध्यान से देखें तो देखो हमने फाइनल माइनस इनिशियल करा है, बिकॉज जो प्रोडक्ट होता है वो फाइनल होता है और रिएक्टेंट इनिशियल होता है, ठीक है। सो फाइनल माइनस अगर आप इनिशियल करते हो तो वो चेंज आता है, तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, इसी को आगे जा करके हम लोग डेल्टा लिख देंगे और इसको हम लोग लिख देंगे डेल्टा एन। तो जो भी पूरी की पूरी कंप्लीट रिएक्शन में मोल्स में चेंजेस आए हैं उसको हम लोग यहाँ डेल्टा एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल्टा एन कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस हम लोग क्या कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा एन की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा एन की वैल्यू, सही है। और ध्यान रखना ये गैसियस मोल्स होते हैं, गैसियस फेज के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो मैं इसको और किस तरीके से लिख सकता हूँ, केपी इज गोज़ टू, मैं एक बार इसको, अच्छा चलो एक काम करते हैं हम इसको बार बार नहीं लिख रहे, आप देखो इस वाले पूरे फॉर्मेट को अगर आप ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन यूज़ करी है। अगर आप इस इक्वेशन के लिए केसी की वैल्यू लिखो, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में केसी कैसे लिखा जाता है, केसी लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो सी की पावर क्या आ जाएगा N3, डी की पावर क्या आ जाएगा N4, और बताओ ए की पावर क्या आ जाएगा N1, और बी की पावर क्या आ जाएगा बताओ N2, क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये हो गया केसी, तो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ केसी से, क्लियर है क्या। तो ये अपने पास में केसी हो गया। अब आप देखो केपी इज गोज़ टू क्या बन जाएगा केसी, और डॉट में क्या लग जाएगा आरटी की पावर डेल्टा एन। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन बन जाएगा, किसके बीच में, केपी और केसी के बीच में रिलेशन इस तरीके से बना सकते हैं फाइनल जो है। अच्छा कुछ बुक्स में आपको डेल्टा एन जी भी लिखा हुआ मिलता है, तो वो एक ही बात है क्योंकि हम लोग गैसियस मोल्स को कंसिडर करते हैं यहाँ पे। सो अपने पास में क्या आ जाएगा केपी इज गोज़ टू केसी डॉट आरटी की पावर डेल्टा एन जी। आर यहाँ पे क्या होता है लिख देता हूँ मैं, आर होता है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, ठीक है, और टी जो होता है वो क्या होता है टेम्परेचर, क्लियर। अच्छा अब आर की जो वैल्यू होती है वो आप कैसे पता करेंगे, तो आर की वैल्यू जो भी आपको यूनिट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग क्या करेंगे इसको यूज करेंगे। प्रेशर जो होता है वो जनरली बार में यूज करा जाता है क्योंकि उसके स्टैंडर्ड हम लोग बार के अंदर लिखते हैं इसके अंदर, ठीक है। बाकी अगर ATM में दे रखा हो तो हम उसको बार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा हमने एक रिलेशन बना लिया, फाइनल रिलेशन जो अपने पास में आया वो क्या था कि KP इज गोज़ टू क्या होता है बताओ KC RT की पावर डेल्टा एन जी, आपको ये याद रखना है। इस पर बहुत अच्छे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं, वो हम लोग सॉल्व भी करेंगे, आपको कुछ होमवर्क भी मिलेंगे। फिलहाल आप लोग क्या करो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि अगर हमें KP और KX के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो उस केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं। फटाफट आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम मूव करते हैं रिलेशन बिटवीन KP एंड KX के बारे में, क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन KP और KX के बीच में, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारे पास में है रिलेशन KP एंड KX के बीच में, KX के बीच में, ठीक है। तो X जो होता है इसको काई बोला जाता है, मतलब जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है वो देख लेना आप लोग, बट जो है आपके पास में ये मोल फ्रैक्शन होता है बेसिकली, ये ध्यान रखना है ना, ये क्या होता है ये मोल फ्रैक्शन होता है। अब देखो सबसे पहले हम लोग रिलेशन बनाते हैं KP और KX के बीच में, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसके लिए आपको एक लॉ फॉलो करना होगा, वो आपके पास में होता है डॉल्टन्स लॉ। अब जो डॉल्टन्स लॉ होता है वो क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम लोग देखते हैं। देखो फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि जो भी किसी गैस का पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर आप बोल सकते हो इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, और आप लोग क्या लिख सकते हो मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं इसको PI लिख देता हूँ, मैं इसको XI लिख देता हूँ, ताकि हमें क्या है इन दोनों में डिफरेंस पता चले कि PI का मीनिंग तो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ आइथ गैस, आप कोई भी गैस ले सकते हो, PN लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, उसको आपका रिप्रेजेंटेशन। सो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ आइथ गैस, और आप लोग X का मतलब क्या लिख सकते हो, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ आइथ गैस, है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो।
ठीक है, आप एक्स नॉट लिख दो, जो भी आपको एक बार के लिए लिखना हो वैसे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। पी जो हो जाएगा वो आ जाएगा टोटल प्रेशर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो इसी इक्वेशन को हम लोग फॉलो करते हुए फाइनल जो है फॉर्मूला लिखने वाले हैं। अभी अभी हमने देखा था कि जो के पी होता है वो कैसे लिखा जाता है। तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं एक इक्वेशन, सेम वही इक्वेशन एन वन ए प्लस एन टू बी क्या बना के देगा बताओ, एन थ्री सी प्लस एन फोर डी, सही है क्या? चलो बताओ इसके लिए के पी कैसे लिखा जाएगा, सभी लोग बताएंगे। तो आपके पास में क्या आएगा, प्रेशर ऑफ ए इसकी पावर एन वन, तो मैंने गलत लिख दिया फिर से। यहाँ आएगा प्रेशर ऑफ सी की पावर एन वन, सॉरी एन वन नहीं एन थ्री, और यहाँ आएगा प्रेशर ऑफ डी की पावर एन फोर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए की पावर एन वन डॉट प्रेशर ऑफ बी की पावर एन टू। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब मैं अगर हर एक कंपोनेंट के लिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के लिए इस इक्वेशन को लिखूं, तो आपके पास में क्या आएगा, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, एक्स ए पी। अच्छा पी तो कांस्टेंट है क्योंकि टोटल प्रेशर तो पूरा फिक्स ही रहेगा, सो पी बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स बी पी। इसी तरीके से अगर आप बात करो तो पी सी क्या लिखा जाएगा, एक्स सी पी। इसी तरीके से आप बात करो तो पी डी क्या लिखा जाएगा, सॉरी एक्स डी, बिल्कुल पी लिखा जाएगा। ये इस तरीके से बना लिया, ये इक्वेशन मतलब ये वैल्यू इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं, तो अपने पास में जो के पी देखने को मिलेगा वो क्या लिखा जाएगा बताओ। यहाँ लिखा जाएगा एक्स ए और पी लिखा जाएगा इसकी पूरे की पावर में क्या लिख देता हूँ, एन थ्री लिख देता हूँ एक बार के लिए। यहाँ लिखा जाएगा, सॉरी सॉरी गलत लिख दिया फिर से, एक्स सी और यहाँ आएगा एक्स डी, ठीक है। तो पी यहाँ आ जाएगा आपके पास, इसकी पावर आ जाएगा एन फोर डिवाइडेड बाय क्या लिखा जाएगा बताओ, एक्स ए, और यहाँ आ जाएगा पी की पावर में एन वन, और यहाँ क्या आएगा एक्स बी की पी की पावर क्या आ जाएगा एन टू, क्लियर। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखो तो आप कैसे लिख सकते हो, के पी इज गोस टू एक्स सी और यह आ जाएगा एक्स डी की पावर, इसकी पावर कितनी आएगी एन थ्री, इसकी पावर कितनी आएगी एन फोर, साथ में क्या मिलेगा आपको पी की पावर एन थ्री प्लस एन फोर, क्लियर है ना। अभी अभी मैंने सेम रिलेशन बनाया था, सिमिलर इसी तरीके से आप नीचे लिख सकते हो एक्स की पावर ए, सॉरी एक्स ए की पावर एन वन डॉट एक्स बी की पावर क्या आ जाएगा एन टू आ जाएगा, प्रेशर क्या लिखोगे वापस एन वन प्लस एन टू, क्लियर है क्या आपको, क्या सिमिलर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, एक्स सी की पावर एन थ्री डॉट डॉट में क्या लिखा जाएगा एक्स डी की पावर एन फोर डिवाइडेड बाई एक्स ए की पावर एन वन डॉट एक्स बी की पावर एन टू, सही है, लिख सकते हैं इस तरीके से। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पी यहाँ आप लोग क्या लिखोगे एन थ्री प्लस एन फोर माइनस क्या लिख दोगे एन वन प्लस एन टू, क्या ये सेम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में आप लोग क्या लिख रहे हो रिएक्टेंट, तो ये किसके अंदर आप इसको लिख सकते हो, मैं इसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ, सो के पी इज गोस्ट। अच्छा ध्यान से देखो, ये हम लोग एक्स के टर्म्स में यानी मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो मैं इसको जैसे कि हमने पहले कंसेंट्रेशन के टर्म्स में लिखा था तो उसके लिए हमने के सी लिख दिया, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे बताओ के एक्स लिख देंगे। तो अपने पास में एक रिलेशन बनेगा, के पी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, के एक्स डॉट पी की पावर में क्या लिख सकते हैं डेल्टा एन लिख सकते हो, आप चाहो तो डेल्टा एन जी लिख सकते हो, क्लियर है। तो सिमिलर रिलेशन है किस तरीके से, जो कि हमने के पी के सी के बीच में निकाला है और हमने के पी और के एक्स के बीच में निकाला है। इस तरीके से आप निकाल भी सकते हो, आप चाहो तो ये दोनों फॉर्मूले याद भी कर सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्लियर है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक डेरिवेशन हो गया, आप इसको फटाफट से कॉपी कर लो, फिर हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपको सिमिलर जैसे कि हम हर रोज़ करते हैं आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे, और उसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, क्लियर है। तो फटाफट से इसको कॉपी करो फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते हैं, और इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो अभी हमने रिलेशन पढ़ा था के पी और के सी का, उसको यूज़ करके इनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े कैलकुलेटिव है, इसके अंदर जो डाटा यूज़ करा गया है वो थोड़ा कैलकुलेटिव डाटा है, इसीलिए आप लोग क्या करना है इसको एक बार के लिए चेक कर लेना। मैं आपको फाइनल आंसर इसमें बता दूंगा कि ये फाइनल आंसर इसका आएगा, बट जो कैलकुलेशन है वो आपको खुद से करके देखनी होगी, ठीक है। हो सकता है कि इतनी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन, वैसे तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, बट फिर भी अगर हम देखें कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनके कंपैरेटिव इनका कैलकुलेशन थोड़ा सा हो सकता है कि डिफ़िकल्ट लगे आपको, ठीक है। अगर आप लोग नीट के स्टूडेंट हैं, है ना, जो बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग जेई बैकग्राउंड से हैं तो फिर कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपके लिए नॉर्मल
कैलकुलेशन रहेगी। क्लियर। चलिए अब अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो देखो आपको मैंने आर की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में या दोनों फॉर्म दोनों क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो आपको वैसे ज़्यादा आर की वैल्यू याद रखनी नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आप लोग ध्यान रखना कि जब आप गैस स्टेट में एक बार के लिए चेक कर लेना, आर की तीन वैल्यूज़ होती है, डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी यूनिट या आपको कौन सी यूनिट क्वेश्चन में दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आर की वैल्यू को यूज़ करते हो। हर जगह एक ही वैल्यू से आपका काम नहीं चलेगा। दोनों हमारे पास में जो क्वेश्चंस हैं उन दोनों में आर की वैल्यू देखो दोनों में डिफरेंट यूज़ करी गई है। क्लियर है ये। चलो अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो आपको केसी दिया गया है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लो। सो आपको केसी दिया गया है 3.75 इंटू 10 की पावर माइनस 6। आपको टेम्परेचर दे रखा है 1069 केल्विन का, आपको आर की वैल्यू दे रखी है 0.0831, और फिर अगर हम बात करें तो आप फॉर्मूला लगाओ के पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। सही है। बताओ आपको डेल्टा एन फाइंड आउट करना है। डेल्टा एन कैसे फाइंड आउट करा जाता है, जो प्रोडक्ट होता है माइनस में आप लोग क्या करोगे रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट के स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2+1 कितना होता है 3, माइनस यहाँ कितना आएगा 2, सो इज इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी कि डेल्टा एन की वैल्यू भी अपने पास में कितनी आ गई 1 आ गई। क्लियर। वैल्यूज पुट करो आपके पास में आंसर है। सो के पी इज इक्वल टू क्या आएगा, अच्छा के पी आपको निकालना है, के सी की वैल्यू दे रखी है 3.75 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू आपको गिवन है 0.0831, और टेम्परेचर आपको दिया गया है 1069, और आपको दिया गया है इसकी पावर आ जाएगी 1। सही है, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो के पी इज इक्वल टू आ जाएगा 3.75 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8.8339 और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन में हो, ये मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा है तो मेरे को ये वैल्यू याद है। आप जब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.033। ठीक है, ये आपके पास जो है प्रेशर की मतलब जो के पी है उसका वैल्यू आएगी। ठीक है, तो के पी की वैल्यू कितनी आएगी 0.033। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। आप इस रिलेशन को यूज़ करके आप आराम से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फाइनल आंसर आएगा। अगर आप अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेट करते हैं तो अगर 0.03 भी आ रहा है या 32 भी आ रहा है तो आपका आंसर सही होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन पर चलें, ये कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग, ये वाली कैलकुलेशन मैंने करके लिख दी है, ये वाली कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, उसके बाद में फाइनल आंसर आएगा के पी। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ के सी फॉर रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है N2+3H2 गिव्स 2NH3 इज 0.508 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द वैल्यू ऑफ के पी एट 400 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा गया। वेन कंसेंट्रेशन आर एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर एंड प्रेशर इज या प्रेशर इन ATM। देखो यहाँ प्रेशर ATM में यूज़ करा गया है तो हम यहाँ ATM वाली यूज कर रहे हैं, यहाँ प्रेशर बार में यूज़ करा गया है तो ये। ठीक है, क्लियर है क्या। चलो अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो अपने पास में वापस से गिवन डाटा को चेक करो। गिवन डाटा के लिए अगर आप देखो तो आपको के सी गिवन है कितना है। सो पहले अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सो सॉल्यूशन के लिए आप लोग लिखोगे के सी कितना गिवन है 0.50। वहीं अगर आप बात करो कि जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो, तो 400 प्लस क्या करोगे 273, तो ये अप्रोक्स आ जाएगा आपके पास में 673 अप्रोक्स का इतना ही आएगा। तो आपके पास में इन केल्विन टेम्परेचर कितना आ गया 673 केल्विन आ गया। अगर आप थोड़ा और आगे चलें तो आपको निकालना है के पी। सही है, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.082। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, के पी इज इक्वल्स टू के सी, यहाँ अगर हम बात करें तो आर टी की पावर क्या आएगा डेल्टा एन जी। अब हमें एन जी फाइंड आउट करने हैं तो हम लोग डेल्टा एन निकाल लेते हैं। डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट तो कितना हो गया 2 माइनस रिएक्टेंट कितना हो गया 3+1 इज इक्वल्स टू 4। सो देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 2 आएगा, तो आप पुट करो के पी इज इक्वल्स टू क्या आएगा के सी। अच्छा के सी की वैल्यू दे रखी है, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं 0.50 मल्टीप्लाइड बाई आप लोग करो
आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.082 मल्टीप्लाइड बाय आप लोग करो टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 673 और इसका स्क्वायर लग जाएगा माइनस, मतलब माइनस का टू पावर लग जाएगी नॉट स्क्वायर। सो इस पूरे के पूरे वैल्यू की पावर लग जाएगी माइनस का टू। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से लिखो तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 0.50 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 0.082 मल्टीप्लाइड बाय 673 और इसकी पावर आ जाएगी 2। क्या इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो? देखो आप इसको सॉल्व कर लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इनका स्क्वायर करना, फिर इससे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर जो अप्रोक्स आएगा 1.64 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 4 आएगा। एटीएम में आपको निकालना है तो ये वैल्यू एटीएम आएगी, ठीक है। बार में निकालना हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो, क्लियर है। तो ये फाइनल आंसर आएगा, आप सॉल्व कर लेना इसको, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैंने आपको इस तरीके से करके बता दिया है। बाकी आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, करने को तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि इसमें पूरा का पूरा टाइम जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से करेंगे और मैच करेंगे कि आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अप्रॉक्स कैलकुलेशन करने पर अगर आपका आंसर 1.6 आंसर आ रहा है तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा, क्लियर है। फाइनल आंसर 1.64 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या यूज़ कराया है, हमने रिलेशन यूज़ कराया है केपी और केसी का, क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग एक और अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाएगा, क्लियर है। तो फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको केपी और केसी दोनों फाइंड आउट करने हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। और इसके अंदर आपको रिएक्शन भी नहीं दे रखी है, तो आपको रिएक्शन भी बनानी पड़ेगी। थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, है ना। ऑप्शन अगर आपको दे दिए जाए तो भी ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सॉल्व करने में लंबा टाइम जाएगा। तो आपको किस तरीके से करना है इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी PCl5 को हीट करा जाता है तो PCl5 कन्वर्ट होता है किसके अंदर, PCl3 प्लस साथ में Cl2 के अंदर। ये आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। PCl5 यहाँ गैस कंसिडर करा गया, ये भी गैस है और ये भी गैस है, क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे मोल वाला ध्यान रखना होगा। इनिशियल लेवल पर अगर हम बात करें तो PCl5 जो होगा इसके कुछ, मान लो स्टार्टिंग में आपको कुछ दे रखा है, ओके 0.10 मोल दे रखे हैं। सो 0.10 मोल्स आपको इसके स्टार्टिंग में दिए गए। इनिशियल में आपको पता है कि सिर्फ रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट वहाँ आपको देखने को नहीं मिलता, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। अगर हम टी टाइम पर बात करें, है ना, टी टाइम पर क्या होगा, हो सकता है कि इसके कुछ एक्स मोल इसमें से डिसोसिएट हुए होंगे और इसके कुछ एक्स मोल बने होंगे, इसके कुछ एक्स मोल बने होंगे, क्योंकि इसका एक मोल डिसोसिएट होकर के इसका एक मोल बनाएगा और इसका भी एक मोल बनाएगा। तो सपोज कि यहाँ पे एक्स मोल डिसोसिएट हुआ तो यहाँ एक्स बना, यहाँ एक्स बना, है ना। अगर यहाँ स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अलग अलग होते तो फिर आपको वहाँ पर स्टडी करनी होती स्टोकियोमेट्री की, क्लियर। अभी हमें इतना नहीं करना। अब अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आएंगे, बहुत सिंपल है, सबको ऐड कर दो तो अपने पास में क्या आएगा, 0.10 माइनस का x आ जाएगा, प्लस का x, प्लस का x। सो ये इक्वल में आपके पास में मिलेगा 0.10 प्लस का x आ जाएगा, सही है। तो ये आपके पास में क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। अब जब आपके पास में टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, इस इक्वेशन के लिए जब आप केसी की वैल्यू लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, PCl3, यहाँ आएगा Cl2 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, PCl5। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। और देखो आपको क्या क्या डाटा गिवन है आपके पास में। अब देखो आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी होगी, तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, सही है। आइडियल गैस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो आप देखो PVS को उसको क्या होता है, NRT होता है। वॉल्यूम आपको दिया गया है कितने लीटर का है, 8 लीटर का, सही है। और वहीं अगर हम बात करें फ्लास्क, आपको 8 लीटर का फ्लास्क है, तो दूसरा प्रेशर आपको कितना दिया गया, 1 atm का प्रेशर दिया गया। सो यहाँ से अगर आप x निकालना चाहो तो PV = क्या बन जाएगा आपके पास में, PV = बन जाएगा 0.10 प्लस में क्या बन जाएगा x, और ये आपके पास में n आ गया, और r की वैल्यू जब आप इसमें लिखोगे
तो आर की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है, दे रखी क्या 0.082, और टेम्परेचर आपको कितना दिया गया, देखो फटाफट टेम्परेचर 540 केल्विन का टेम्परेचर आपको दिया गया, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ 540, सही है। अच्छा प्रेशर आपको कितना दिया गया, प्रेशर आपको दिया गया है कितना प्रेशर का गया, हाँ प्रेशर 180 दिया गया, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आपको दिया गया 8, सही है। यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 0.08 आएगा, फाइंड आउट कर लेना यार, कर लोगे ना, 0.08 इसका आंसर आएगा। अब ये जो x की वैल्यू 0.08 आ चुकी है, ठीक है, इसको यूज़ करके आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कंसेंट्रेशन लिख सकते हो। आपको पता है कि जो कंसेंट्रेशन होती है, कंसेंट्रेशन कैसे लिखा जाता है, मोल अपॉन में वॉल्यूम लिखा जाता है। सो देखो मोल की अगर मैं बात करूँ तो मैं PCl5 की कंसेंट्रेशन लिखने वाला हूँ, ठीक है, यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ PCl3 पहले लिख देते हैं। तो अगर मैं कंसेंट्रेशन ऑफ PCl3 लिखूँ, PCl3 की कंसेंट्रेशन बताओ क्या आएगा, उसके मोल कितने हैं, x मोल है डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन v, सॉरी वॉल्यूम v, तो कंसेंट्रेशन बन जाएगा x बाय v। कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा, x बाय v आएगा। सिमिलर इसी तरीके से कंसेंट्रेशन ऑफ PCl5 निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा, इसके मोल कितने मोल हैं 0.10 माइनस में x डिवाइडेड बाय आप लोग क्या लिख दोगे v, तो ये आपके पास में इसका कंसेंट्रेशन आ जाएगा। इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ लिखते हैं तो आपके पास में Kc का फॉर्मूला बनेगा, यानी Kc की वैल्यू बनेगी आपके पास में, देखो PCl3 की जगह मैं लिख रहा हूँ x बाय वी, सो ये आएगा x बाय वी डॉट, Cl2 की जगह भी क्या आएगा बताओ x बाय वी आएगा, डिवाइडेड बाय आप लोग करोगे तो 0.10 माइनस में x डिवाइडेड बाय v, क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है। आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, x बाय v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिख दोगे 0.10 माइनस में x डिवाइडेड बाय v, इसको आप ऊपर लिखो, सो Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, Kc की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन में v, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x स्क्वायर v स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय आपके पास में आ जाएगा v डिवाइडेड बाय कितना आएगा 0.10 माइनस x, सही है, एक v से एक v सॉल्व हो जाएगा, सो Kc आपके पास में क्या बन जाएगा, Kc आपके पास में बनेगा x स्क्वायर अपॉन में क्या बन जाएगा 0.10 माइनस का x मल्टीप्लाइड बाय v, सो ये आपके पास में आएगा Kc। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो Kc आपके पास में क्या आएगा, देखो x की वैल्यू हमने निकाली 0.08, सो ये आएगा 0.08 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा 0.10 माइनस में x कितना आएगा 0.08, सही है, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में वॉल्यूम कितना है 8, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे फाइनल तो ये आपके पास में कितना आएगा, ये आएगा Kc इज इक्वल्स टू, ये आपके पास में आ जाएगा पूरा का पूरा, देखो इसको सॉल्व कर लेना, ऊपर आएगा 0.0064 डिवाइडेड बाय, नीचे आपको मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, पहले आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, इसको हटा दो भले आप लोग, तो 0.08 से 0.1 माइनस करोगे और फिर उसको मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दोगे 8, तो आप फाइनल आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा लंबा जाएगा ना, तो सॉल्व करके आप जब निकालोगे तो 4×10^-2 आएगा, ठीक है, कितना आंसर आएगा 4×10^-2 आएगा, ठीक है, और ये आएगा आपका Kc, इसको सॉल्व कर लेना, इतना डिफिकल्ट नहीं कैलकुलेशन, बहुत इजी सा कैलकुलेशन है, ऊपर 64 आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे 16 बनेगा कुछ, ठीक है, उसको फिर आप काटोगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा, सो Kc इज गोज टू 4×10^-2 आ गया। अब अगर हम बात करें, अगर हमें Kp निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, Kp के लिए इक्वेशन है Kp इज गोज टू Kc RT^ में क्या होता है डेल्टा n, अब डेल्टा n की वैल्यू निकालोगे तो 2-1 करोगे तो डेल्टा n कितना आ जाएगा 2-1 इज गोज टू 1, सही है, सो Kp इज गोज टू आ जाएगा आपके पास में Kc कितना है 4×10^-2 मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू आपको दे रखी है 0.082 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर आपको दे रखा है 540, ठीक है, और ये आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, सो आपके पास में Kp जो है वो आ जाएगा 1.72 atm, कैलकुलेट करके ज़रूर चेक करें कि क्या आंसर जो लिखा गया है वो एकदम करेक्ट है या फिर इसमें कुछ एरर आ रहा है। अगर आप अप्रोक्सीमेशन से कर रहे हैं तो आंसर अगर 1.7 के आसपास भी आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है, क्लियर, तो इस तरीके से आप लोग ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, आप चाहो तो पहले
देखो इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमने कंसंट्रेशन पहले निकाली है, फिर हमने प्रेशर को यूज़ करके या प्रेशर का फाइंड आउट करा है, आप केपी फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर है क्या? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब मैं आपको दो क्वेश्चन कुछ होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जो आप लोग को खुद से करना है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे और आपका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। जिसको भी डाउट रहता है, जिससे आंसर नहीं बन पाता है, आप अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो आप मुझसे डायरेक्टली जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन या उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। मैं आपको डायरेक्टली पूरा पूरा रिप्लाई करके दूंगा कि इस तरीके से सॉल्व करा जाएगा, क्लियर है? लेकिन आप दोनों क्वेश्चन को एज अ होमवर्क उसको सॉल्व ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब तक आप होमवर्क सॉल्व नहीं करेंगे, होमवर्क करेंगे नहीं, तब तक आपको ये जो आपने अभी भी लेटेस्ट पढ़ा है वो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मैक्सिमम वीडियोस के अंदर आपने देखे होंगे, मैं आपको होमवर्क ज़रूर देता हूँ, तो इस होमवर्क को ज़रूर सॉल्व करें। अगर फिर भी केपी केसी से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है और वो क्लियर नहीं हो पाता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू, क्लियर है? सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियरली समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन है वो आपको एंडिंग में आपको मिल जाएंगे अभी स्क्रीन के ऊपर, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, क्लियर? मैं उसका आंसर भी नीचे लिख दूंगा कि ये आंसर आएगा, आप पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो जरूर चेक करेंगे किस तरीके से होगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।